नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। एनएसए अजीत डोभाल के पिता मेजर गुणानंद डोभाल की स्मृति में आपको बताते चले कि रुड़की के बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कई प्रतियोगिताएं खेली गई, जिसमें कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं फाइनल मुकाबले में 51 इंजीनियर रेजिमेंट और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में मैच खेला गया, जिसमें 70 इंजीनियर रेजिमेंट ने मैच को 3-2 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विजेता टीम को अजीत डोभाल की पुत्रवधू दिव्या डोभाल ने ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। बाईस टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस दौरान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन रुड़की में किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गुणानंद डोभाल की स्मृति में ये मैच को खेला गया है। 22 टीमों ने इसमें प्रतिभाग भी लिया है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये डोभाल ट्रॉफी मैंने प्रदान करी आज 70 इंजीनियर्स को, एंड इट इज़ माय प्लेजर टू बी हियर, एंड इट वाज अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम प्राउड, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड टू गिव दिस ट्रॉफी। थैंक यू। कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा। मैम, पूरा मैच आपने देखा, किस तरह का मैच रहा, किस तरह? बहुत रोमांचक मैच था और लास्ट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो टीम विजेता हुई दे रियली डिजर्व्ड इट एंड आई थिंक एवरीवन बोथ द टीम्स प्लेड वेरी वेल। आज बंगाल सैपर्स में बीजीएन सेंटर रुड़की में इंटर रेजिमेंट हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। इसमें जो है टोटल 14 अक्टूबर को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, जिसमें सारी बंगाल ग्रुप की मेजर और माइनर यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये आज जो है मेजर यूनिट्स का फाइनल मैच था, जिसमें 51 और 70 इंजीनियर रेजिमेंट के बीच में मैच हुआ। कड़ा मुकाबला था, एक्स्ट्रा टाइम में गया। 5-5 मिनट्स का जो ओवर एक्स्ट्रा टाइम था, उसमें सडन डेथ में 70 इंजीनियर रेजिमेंट 3-2 से 51 से जीत गई। मैच के एंड में जो है ये जो क्योंकि मेजर यूनिट्स का जो टूर्नामेंट होता है, इसमें जो फाइनल में विजेता को जो ट्रॉफी दी जाती है वो डोभाल ट्रॉफी है, जो 2021 में श्री अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपने फादर मेजर गुणानंद डोभाल। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में शराब व्यापारी सुशील करनवाल के घर पर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। कारोबारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर मामले की छानबीन शुरू की और मौके से कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं। अजय, सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा जाके, ऑफिस में 2-4-5 लड़के थे ये, वहाँ मेरी कैंटीन में बैठे शराब पीते थे। कैंटीन वाला मेरे पास आया उठा के कि भैया ऐसे ऐसे वो दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या मतलब है, यहाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है तो तुम शराब वराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो? बस ये हो गया। मैंने उसे उठा के नाम दो थोड़ा सा। मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतनी होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था, घर आते सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते हुए धड़ 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 8-10 फायरिंग हुई है। ये तो घिसाई वाले हैं। तो वहीं हरिद्वार के मिसपुर और साथ ही शिव विहार कॉलोनी में हाथियों की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरिद्वार लक्सर मार्ग के मिरसपुर क्षेत्र और शिव विहार कॉलोनी में रात के समय हाथियों का एक झुंड सड़क और गलियों में घूमते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। और साथ ही बताया ये भी जा रहा कि हाथियों की इस गतिविधि से क्षेत्र के लोगों को खतरा महसूस हो रहा और वहां के लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन होगा, जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों के कई अतिथि भाग लेंगे। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव आयोजित कर दिया गया है, और जहां पर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर साल मनाई जाती है। और साथ ही 8वां आयोजन है। गंगा बेसिन वाले 139 जिलों में एक साथ मनाया जाएगा।
खबर कडीमा से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं स्थानीय जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर पहुंचने के अवसर पर स्थानीय जनता के द्वारा फूल मालाओं और कुमाइनू और साथ ही धारूवती नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनता को दीपावली और साथ ही गोवर्धन पूजा भैयादूज पर्व की शुभकामनाएं दी। उपस्थित जनता से मुलाकात कर उनके समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता के समस्याओं के निवारण हेतु उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खबर चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा नेपाल बॉर्डर का दौरा किया। इसके बीच में सीएम धामी ने एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ सीएम ने कैंप में आतिशबाजी की, महिला जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने इस अवसर पर बनबसा नेपाल बॉर्डर स्थित एसएसबी कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली पर्व मनाया। उन्हें दिवाली पर्व की शुभकामनाएं देकर जवानों को उपहार बांटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। त्योहारों में अक्सर वे सैनिकों के बीच में पहुंचकर अपनी खुशियों को साझा करते हैं। वहीं बीते रोज भी सीएम ने देहरादून में सैनिकों के बीच में पहुंचकर दिवाली पर्व को मनाया है। बीस नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है और सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जनता का बीजेपी पर विश्वास है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और दर्जाधारी मंत्री देवेंद्र भसीन का कहना है कि कुछ सीट पाकर कांग्रेस उछल रही है, लेकिन बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में भी सरकार बनाई, जो बताता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। पहली बात तो ये है कि केदारनाथ जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस के दावे अपने आप पे बिल्कुल खोखले हैं। और जहाँ तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, जबकि पहले हमारी वहाँ जमाना जब्त होती थी। ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहाँ कार्य किए जा रहे हैं उसको देख रही है। उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिक सशक्त बनाए जाने को लेकर आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार महिला नीति लागू करने जा रही है। साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया गया है और साथ ही इसको लेकर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य महिला नीति को विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा में अंतिम बैठक की गई। बैठक के दौरान नीति में कुछ बदलाव करते हुए आगामी कैबिनेट में महिला नीति संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं
किरण रतूड़ी शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियाँ लाई गयी है। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य जुड़े अधिकारियों को कई हमारे मेडिकल कॉलेज है, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी दे पा रहे हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहां बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इस उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाला है। कयास ये भी लगाए जा रहे कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार थे, जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई है और बीजेपी की तरफ से टिकट के किसी भी दावेदार ने निर्दलीय नामांकन नहीं किया और वे मैदान में नहीं उतरेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी।
हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहाँ जा चुकी है। हमने पांचों मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था अपने काम में लगे हुए थे। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नटाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपने आप में जीत का आधार थी। लालकुआ से बीजेपी के पूर्व विधायक एवं सीनियर नेता माने जाने वाले नवीन चंद्र दुमका ने अपने विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब और अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। शिकायत तो है, जब भी मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेज़ी से इलाके में है और मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके से ही रुक सकती है, या तो सरकार प्रशासन और पुलिस का तगड़ा डंडा इनके ऊपर हो, और या फिर लोग जत्थों में इकट्ठे होकर के इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको हतोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वादे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाकर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में लागू होने वाला ऐसा सशक्त भू कानून होगा जो कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है और इसी सूची में 40 कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया और सूची में 40 नाम निर्धारित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से केदारनाथ उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों में करीब सभी विधायकों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। पुलिस भर्ती के लिए 8 नवंबर से इसके आवेदन शुरू किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताई है। साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आयु सीमा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के मुताबिक लंबे समय के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही और ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे भर्ती के लिए निर्धारित की गई उम्र सीमा को बढ़ाए जिससे अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। नहीं, निश्चित तौर पर सभी भर्तियों में उम्र में छूट सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल पहले जो भर्तियां होनी चाहती, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो 25,000 भर्तियों की बात करते रहे। तीरथ सिंह रावत जी जिस दिन विदा हो रहे थे उन्होंने कहा मैं 25,000 पदों पर भर्तियां करने वाला था और धामी सरकार आज तक भर्तियां नहीं कर पाई है। तो इस अवधि में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका क्या दोष है, उनको उम्र में जो है छूट मिलनी चाहिए। क्लास बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।